सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए जीमेल अकाउंट के बारे में। दोस्तों जीमेल अकाउंट बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर जिन लोगों को जीमेल अकाउंट नहीं बनाने आता उन लोगों को तो मुश्किल ही लग रहा होगा। तो अगर आपको भी ये सीखना है या जानना है कि नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो फिर आप लोग बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों को नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति है तो आप इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। हम लोगों को नया जीमेल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के कोई एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए मैं कोई एक ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट। इतना लिखने के बाद हम लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हम लोगों के सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्रिएट योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोगों को अपना जीमेल क्रिएट करने का पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर हम लोगों को अपना नाम एंट्री कर देना है, आप जिस नाम से जीमेल बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम एंट्री कर दिया और नीचे है लास्ट नेम। तो लास्ट नेम में आपका कुमार भी हो सकता है या सिन्हा भी हो सकता है, आपका जो टाइटल हो लास्ट वाला वही आपका लास्ट नेम होगा। तो चलिए मैं अपना लास्ट नेम डाल दिया। अब इसके बाद यूजर नेम सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर अपना यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। तो चलिए मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देंगे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कि आपके पासवर्ड में नाम भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ अपना पासवर्ड। ये हो गया और फिर से उसी पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। तो उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है और सारा प्रक्रिया कर लेने के बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर अपना यूजर नेम गलत बता रहा है। यहाँ पर यूजर नेम कोई दूसरा रखना होगा, जैसे कि पूरे भारत में एक मैं ही मनीष नहीं हूँ जो मेरे नाम से जीमेल नहीं बना होगा। मेरे नाम से जीमेल बन चुका होगा तो यहाँ पर हम लोगों को नाम के साथ कोई नंबर भी एंट्री करना होगा जो जीमेल एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए मैं कोई नंबर भी नाम के आगे डाल देता हूँ। चलिए मैं 576 ही डाल देता हूँ और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ये फिर से नहीं ले रहा है और नीचे हमको एक यूनिक यूजर नेम दिया है, अवेलेबल है MK03161268। तो हमको ये सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो, क्योंकि उस नंबर पर एक OTP आएगी। तो आप उस OTP को OTP बॉक्स में डालकर जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं अपना कोई एक नंबर डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके बाद इस नंबर पर एक OTP आएगी, तो उस OTP को इस बॉक्स में डालकर आप लोग जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों यही प्रक्रिया है अपने मोबाइल से नए जीमेल को क्रिएट करने का। तो दोस्तों आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर अपना एक नया जीमेल बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।